रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके महान काम हमेशा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। रतन टाटा की दरियादिली, इंसानियत और विनम्रता के कई किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा बेहद दिलचस्प है, जिससे पता चलता है कि रतन टाटा अपनों को लेकर कितने फिक्रमंद इंसान थे। मशहूर बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने उनके इंसानियत से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया है। सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में कहा कि फरवरी 2018 में ब्रिटिश राजघराना रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहता था। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें इस खिताब से नवाजने वाले थे, लेकिन रतन टाटा ने आने से इनकार कर दिया और इसके पीछे जो वजह थी वह प्रिंस चार्ल्स के दिल को छू गई। सुहेल सेठ ने यह दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए बताया कि 6 फरवरी 2018 को ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे थे। यह भव्य आयोजन बकिंगहम पैलेस में होने वाला था। मैं 3 फरवरी को लंदन एयरपोर्ट पर उतरा। इस दौरान मैंने फोन चेक किया तो मेरे मोबाइल पर रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल थे। सुहेल सेठ ने कहा कि जब मैंने रतन टाटा को कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा, सुहेल मैं इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा, टैंगो और टीटो बीमार हैं, इसलिए मैं इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। यह सुनकर सुहेल सेठ हैरान रह गए कि इतने बड़े आयोजन में रतन टाटा इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके डॉग्स बीमार हैं। सुहेल सेठ ने कहा कि जब मैंने यह बात प्रिंस चार्ल्स को बताई तो उन्होंने कहा कि दैट्स ए मैन, यानी यह होता है इंसान जो अपनों के लिए कितना फिक्रमंद है।